गाइस बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन लेके आया हूँ सभी के लिए। एक तरफ है एप्पल वॉच सीरीज 8 और एक तरफ है सीरीज 8 अल्ट्रा की कॉपी। यस, एक कॉपी है, दूसरी भी कॉपी है। ये कल्ट स्पोर्ट एक्टिविटी है और ये है हमारे पास बोल्ट की क्राउन है ना, और अल्ट्रा की कॉपी है सीरीज 8 अल्ट्रा की बेसिकली। ठीक है, 1500 रुपये की प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। और इसकी बात मैं करूँ तो ये इसका जो प्राइस है, वैसे 1600 रुपये की या 1500 रुपये में ये लॉन्च हुई थी, अभी जो उसका प्राइस है 1800 चल रहा है। ठीक है, और ये है कल्ट स्पोर्ट की एक्टिविटी। 2.1 इंच की बड़ी मैसिव डिस्प्ले मिलती है और बेजल्स ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल टाइप के लग रहे होंगे आपको, और यहाँ पे 1.95 इंच की डिस्प्ले मिलती है। काफ़ी मैसिव डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप खुद ही पता लगा सकते हो अपने पिक एज अ वॉच फेस। मैंने दोनों ही वॉचेस में लगा रखा है और दोनों ही काफ़ी कमाल की लग रही, देख सकते हो। जिसको स्लीक लुक चाहिए, जिसको मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल लुक चाहिए, तो इसके लिए जा सकता है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी चाहिए आपको, तो इसके लिए जा सकते हो आप। UI एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है और हल्की, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली हैवी है, ये वाली हल्की है। ठीक है, पीछे आपको इसमें पॉलीकार्बोनेट बैग मिलता है, यहाँ पे ग्लास्टिक बैग मिल जाता है। इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रैप साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे 42 mm का है बेसिकली। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे साइड बाई साइड देख सकते हो स्लिमनेस, तो ऑब्वियसली बात है इस वॉच में स्लिम ज़्यादा वॉच है वॉच है। और ये एल्युमिनियम केसिंग मिलती है आपको, इसमें भी आपको एल्युमिनियम केसिंग मिल जाती है और रोटेटेबल क्राउन के साथ आती है। यहाँ पे भी इसमें रोटेटेबल क्राउन देखने को मिल जाता है, इस तरीके से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वॉच फेस आपको इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं, 8-9 वॉच फेस मिल जाते हैं, और इसमें बोल्ट की क्राउन में आपको 4-5 ही मिलते हैं, तो ये एक फ्लॉ है बोल्ट की क्राउन में, देख सकते हो। और यहाँ पे कॉप बहुत ही ज़्यादा है कल्ट स्पोर्ट एक्टिविटी में। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी बटन नहीं है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी बटन मिल जाता है, बट ये कस्टमाइजेबल नहीं है, अभी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो गैस वैसे इस तरीके के कंपैरिजन को आप एंजॉय करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गैस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलते रहती है। तो चलिए इस अमेजिंग कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1500 वर्सेस 1800, दोनों में से बेटर कौन सी है? और वैसे दोनों में से कोई सी वॉच आपको बाय करनी तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, प्रीपेड ऑर्डर ही रहेंगे, COD पॉसिबल नहीं है गाइज। मैं डिलीवर कराता हूँ अपने एंड से, और डिलीवरी सर्विस थर्ड पार्टी होती है ऑब्वियसली बात है, तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा, प्रीपेड डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, आपके घर तक पहुँच जाएगा 2-3 डेज में। यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर एक साइड से टॉगल मेन्यू में, सिंपल दोनों में सेम ही मिलता है UI, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स आप देख सकते हो कितनी क्या है, और यहाँ पे बेजल्स आप देख सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है, 900 निट्स की है, यहाँ पे आपको 600 निट्स की मिलती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स मैंने फुल कर रखे हैं, यहाँ पे भी, इसमें भी, और यहाँ पे मेन्यू स्टाइल भी यहीं से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे रेस्ट टू वेक ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने मिलता है, डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस और ऑटो स्लीप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 30 सेकंड का दोनों में ही आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, मेन्यू व्यू, मेन्यू व्यू में आपको लिस्ट, ग्रिड, पैरेलल, सरफेस, क्रेसेंट, फुल मून, हेल्म, तो 7-8 मिल जाते हैं बेसिकली। आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू मिलता है और दोनों ही स्मूथ है एज सच, यहाँ पे कह सकता हूँ ज़्यादा स्मूथ मेरे को ये और लग रहा है इसका बोल्ट की क्राउन का। और यहाँ पे बटन टैप करके आप दोनों में से किसी में भी आप चेंज नहीं कर सकते मेन्यू को, आपको यहीं पे जाना ही पड़ेगा डिस्प्ले में जाके, यहाँ पे मेन्यू व्यू में जाके, और यहाँ पे लिस्ट वाला करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन का मोड मिल जाता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो, और इसी के साथ साथ DND मोड मिल जाता है, और यहाँ पे फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे फोन रीसेट का ऑप्शन सिस्टम है, दैट्स इट, ये सब चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं राइट साइड में स्वाइप करता हूँ तो शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मेन्यू स्टार्ट होता है, यहाँ पे रीसेंट टैब मिल जाता है, नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन हो जाते हैं, और दोनों ही हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करती हैं वॉचेस। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी यहाँ पे जो हमने परफॉर्म किया वो शो करता है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ट हेल्थ का ऑप्शन होता है, यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन ज़्यादा है, तो कॉलिंग वाला चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी एक बार डायल करते हैं, यहाँ पे भी डायल करते हैं। इसमें डायल हो गई है, इसमें नंबर डायल हो चुका है। ओके, कल्ट स्पोर्ट की एक्टिविटी में थोड़ा सा ज़्यादा लाउडनेस लग रही है मेरे को, वैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रेन वाटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस वॉच में, इसमें वो ऑप्शन नहीं मिलता। देखो यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। हार्ट रेट मोनीटर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोल्ट हेल्थ मिलता है, हार्ट रेट मोनीटर, सिंगल सेंसर है इसमें, देखते हैं इसमें डबल है कि सिंगल है, कहाँ गया, देखो वैसे ग्रीन जल रहा है। ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल में पता चलेगा यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर है कि नहीं, यहाँ पे ग्रीन एक्सन का सेंसर है, यहाँ पे भी ग्रीन एक्सन का ही है, तो दोनों में ही आपको सिंगल सेंसर मिलते हैं, डबल सेंसर यूज़ नहीं किया गया दोनों में से किसी में भी। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो XPO2X मोड मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पोर्ट डाटा है, और यहाँ पे स्पोर्ट डाटा में जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है
कैमरा है, म्यूज़िक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स सीरा स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे वॉकिंग करते हैं 50 स्टेप चल के देखते हैं एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किस में मिलती है। 54 स्टेप चले मैंने, यहाँ पे 63 दिखा रहा है और यहाँ पे 60 दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा ही है इस दोनों में ही। और इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइज रिकॉर्ड है, वेदर अपडेट मिल जाते हैं दोनों में ही, और म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन देखने मिलता है, प्ले भी कर सकते हो सॉन्ग को दोनों ही वॉचेज़ में, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। ई कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, इसमें आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन है और इसमें ई कार्ड का ऑप्शन नहीं है बेसिकली कल्ड स्पोर्ट एक्टिविटी में। उसी के साथ साथ यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, कैलकुलेटर है, गेम्स दोनों में देखने मिल जाते हैं और इवन गेम्स भी दोनों में ही सिमिलर ही मिलते हैं, चार गेम्स मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेज़ में, एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं। और डिस्प्ले बड़ी है तो यहाँ पे आप आराम से खेल सकते हो। कल्ड स्पोर्ट एक्टिविटी में थोड़ा सा अच्छा लगता है खेलने में क्योंकि यहाँ पे इससे भी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, मतलब आपकी इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बैक करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट है और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और वॉइस असिस्टेंट इसमें भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो आई थिंक चलिए कोई बात नहीं, कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से उससे, नेट से। हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ दोनों के। यहाँ पे हमने पहन लिए दोनों वॉचेस और यहाँ पे हमने ऑन कर लिया ऑक्सीमीटर, यहाँ पे हार्ट रेट, यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, देखो 99 दिखा रहा है स्पीड टू, हार्ट रेट हमारा 90 दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं 84 है और यहाँ पे आपका 85, यहाँ पे 85 क्लोज टू एक रेट है, यहाँ पे 80 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड स्पोर्ट एक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है, एकदम एक्जैक्टली इसी तरीके से जा रही है और ये भी आपकी आ रही है पास, बट उतना एक्यूरेटी जितना आपकी ये वाली मिल जाती है कार्ड स्पोर्ट एक्टिविटी। उसके बाद SP2 चेक करते हैं एक बार। वैसे SP2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप वॉच से चेक करें, आपको ऑक्सीमीटर से ही चेक करना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे एक्यूरेसी किसकी बेटर है, कल्ड स्पोर्ट एक्टिविटी की डेफिनेटली यहाँ पे, और लाउडनेस भी थोड़ी सी बेटर मिलती है। वैसे तो सारी चीज़ें सेम ही मिलती है, यू आई भी एकदम कॉपीड है फायरबोल्ट की वॉचेस से, तो दोनों में ही सिमिलर मिलता है। वैसे यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, कल्ड स्पोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। इस वॉच से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। वैसे दोनों ही वॉचेस लास्ट मीडियम इसके लिए, ठीक है, थिनेस्ट पे नहीं अच्छी लगेगी, ध्यान रखना गाइस, फालतू में ले लोगे तो आप बाद में पछताओगे फिर, ठीक है। और स्किन टेस्ट वाले बिल्कुल भी ना ले दोनों ही वॉचेस किसी को भी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़ी लगेंगे उनके हाथों पे। तो कैसे देखते हैं डीप डाउन कंपेरिजन दोनों ही वॉचेस का। अगर आपका क्वेरी दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।